बार एसोसिएशन चुनाव रंजिश में गोली मारकर वकील की हत्या। बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार को हंगामे और बवाल के बीच मतदान स्थगित करने के बाद चुनावी रंजिश में अधिवक्ता गौतम दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौतम की अधिवक्ता चाची संगीता द्विवेदी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या और SC/ST की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। उधर घटना के विरोध में लॉयर्स एसोसिएशन ने शनिवार को हड़ताल की घोषणा की है। वहीं बार एसोसिएशन चुनाव का दोबारा मतदान कराया जाए या मतगणना, इस पर भी एल्डर्स कमेटी शनिवार को फैसला लेगी। दरअसल अनवरगंज के फूल वाली गली निवासी अधिवक्ता गौतम दत्त अपने चैम्बर के सामने कुछ अधिवक्ताओं के साथ चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। संगीता की तहरीर के मुताबिक चर्चा के दौरान जनरलगंज निवासी तरुण गुप्ता अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने गौतम से कहा, बहुत चुनाव लड़वा रहा था, अब जितवा ले चुनाव, और उसे गोली मार दी। गोली बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त मंत्री शिव कुमार पांडे उर्फ मेजर के दाहिने हाथ के पंजे से छूते हुए गौतम दत्त के पेट में जा धंसी। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। गोली पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर लगने से वह बेहोश हो गए। साथ ही अधिवक्ता उन्हें उर्सला ले गए, जहां से उन्हें हैलेट रेफर कर दिया गया। हैलेट में इलाज के दौरान गौतम की मौत हो गई। गौतम भाजपा विधि प्रकोष्ठ के मंडल सह संयोजक भी थे। आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त की को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पर मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक FIR प्राप्त हुई है, जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। FIR दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं, जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं। जो आरोपी है तरु अग्रवाल, उसको अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएं, चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो। वकील की मौत के मामले में नामजद आरोपी तरु अग्रवाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी तरु अग्रवाल ने सुबह लगभग 5:30 पर आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने बताया कि कैमरे के अनुसार 10 से 12 प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनकी पहचान हो गई है, उनके बयान लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 डॉक्टरों का पैनल वीडियोग्राफी के साथ मृतक अधिवक्ता गौतम का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।